भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ गोरखपुर का क्षेत्रीय सम्मेलन रविवार को बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार शिव प्रताप शुक्ला, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नीलकंठ तिवारी, भाजपा प्रदेश महामंत्री नीलिमा कटियार, प्रदेश संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ एवं बार काउंसिलिंग सदस्य उत्तर प्रदेश प्रशांत सिंह अटल, बार एसोसिएशन में मौजूद अधिवक्ताओं को माल्य अर्पण कर भव्य स्वागत किया। अधिवक्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, अजय सिंह संचू, आशुतोष मिश्रा, अवनीश मिश्रा, शशि भूषण दुबे, हरिप्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे। मुख्य व विशिष्ट अतिथि ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही 2019 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मंत्र दिया। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए नीलिमा कटियार ने कहा, इसलिए मुझको लगता है कि वो समय आ गया है कि वकील को जो
और लोग सिर्फ वकील होने के नाते नहीं देते हैं, सारी फॉर्मेलिटी पूरी है नहीं देते, अब इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहे हैं सारी चीज, जो नहीं देता है आप बैंक अधिकारियों का नाम गुप्त पत्र के द्वारा माननीय मंत्री जी को दीजिए। मुझको पूरा विश्वास है कि ऐसे बैंक अधिकारियों के खिलाफ बतौर वित्त मंत्री आप निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अब यह चलने वाला नहीं है कि वकील होने के नाते आप लोन देना बचे। छोटी सी बात, अब बात कुछ ऐसी समस्याएं हैं, हम लोगों ने संकल्प पत्र में तीन बातें कही, संकल्प पत्र में कहा कि 60 से 70 साल उम्र करेंगे और ये पत्रावली चल रही है जो मुझे बताया गया है, निश्चित रूप से हम लोग मंच पर वरिष्ठ नेता है, ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा कि 60 से 70 वर्ष अधिवक्ताओं की जो मृत्यु पर सहायता राशि की 60 वर्ष का पेंशन था वो 70 किया जाए, ये करने की बात थी। दूसरी बात हम लोगों ने कहा था कि 1.5 लाख रुपए से यह राशि 5 लाख की जाए, यहाँ 10 लाख है, होना चाहिए 10 लाख, लेकिन चलिए कुछ चले आगे बढ़े, 5 लाख तक की भी पत्रावली लंबित है और 5,000 रुपए नया अधिवक्ताओं को देने की बात की। ये तीनों मांग हमने यहाँ के विधि मंत्री जी से भी बात की है, मुख्यमंत्री जी से हमारी इस विषय में बात नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन ये बताया गया है कि ये लंबित है और इस पर बहुत सिंसियर ढंग से पार्टी का नेतृत्व और जो शासन में लोग हैं अपने पार्टी के वो लोग इस पर बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि तीनों बातें जो संकल्प पत्र में कही गई है वो पूरा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि भी हमारे बहुत व्यापक संख्या में हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो वकील हैं, मैं उन्हीं का चीज से अपने आप को सीमित करता हूं। उत्तर प्रदेश की सभी कचहरी, सभी तहसीलें तीन मुक्त, बड़ई मुक्त, छपरा मुक्त, खपरा मुक्त हो, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। जहां पगडंडी थी वहां सिक्स लेन सड़कें बन गई, पर हम आज भी तीन में, बड़ई में, छपरा में खपरा करें, अगर ये तय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जहां तीन में बड़े में बैठा, और नया अधिवक्ताओं की तो दुर्दशा यह है कि रजिस्ट्रेशन करा के आवे और उसके बाद नाले के किनारे 300 रुपए का दखल लेकर बैठ जाए, वो जहां पशु में नहीं बैठ सकते वहां हमको गर्मी में बरसात में बैठना होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हम जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालें, उनकी एक राशि होती है सांसद निधि, विधायक निधि, या उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से बात रखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, इस तरह की समयबद्ध घोषणा करें, बहुत जगह पक्के छत बन गए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की कचहरी का कोई वकील तीन में, बड़ई में, छपरा में, खपरा में नहीं बैठेगा, ऐसा एक विचार बन रहा है, इस पर भी हमने बात की है और हमारे नेतृत्व ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। आगे आगे मंच पर भी बैठे, इसलिए मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में जो लोग बैठे हैं उनके भी ध्यान में बात है और इसको जरा इफेक्टिव ढंग से हो जाए। तो दोबारा बिना जमा कराए उन्होंने इंटरेस्ट के रूप में जो आ गया था उस इंटरेस्ट को देने के लिए बैंकों से ऋण दिलाने का काम उन लोगों ने किया जो यूपीए की सरकार में बैठे थे, और जब हीरो मोदी यहां से चले गए तो कहा काहे भगा दिया, माल्या चले गए तो माल्या के समय उस समय कोई ऐसा है कानून नहीं था जिसके नाते हम रोक सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका पासपोर्ट उस समय बहाल किया था। आज इस स्थिति में पूरा का पूरा देश उन्नति के साथ चल रहा है। जनधन की बात जो कहे थे प्रसाद जी, आज 35 करोड़ लोग इस देश में जनधन खाते के साथ चले, 35 करोड़ जनधन खाते खोले जाए, तो इसी पार्लियामेंट में इस बात की पर उपहास किया गया था कि जीरो बैलेंस क्या होता है, जीरो बैलेंस से कौन खाता खोलता है, लेकिन जब साहस था, मन था, आगे कैसे हम कर देंगे इसकी प्रतिज्ञा थी, तो जीरो बैलेंस से बिना एक नया पैसा जमा किए, बिना जमानत दार दिए आज 35 करोड़ लोगों के खाते खुल गए हैं। और आप सभी लोगों को ताज्जुब होगा कि जिसमें एक भी नया पैसा जमा नहीं किया गया था आज उसी बैंक अकाउंट्स में 90,000 करोड़
बड़े लोग 50,000 से लेकर के 10,000 तक के इस देश में 33 करोड़ लोगों को हमने लोन दे करके रोजगार दिलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जब चुनाव का भाषण दे रहे थे, कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, कई लोगों ने कहा था नौकरी देने का काम करेंगे। कितना मिला है 100 दिन? लाभ कितने लोगों ने प्राप्त किया? 343,000 लोगों ने अभी इतने समय में उनका लाभ प्राप्त किया 100 दिन। तो कोई काम हम सभी लोगों ने दिखावे का लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं किया था। नरेंद्र मोदी या उनके मंत्रियों ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी प्रसाद जी बैंक भले अटनमस हो, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी कि अधिवक्ता को ऋण नहीं मिल पा रहा है तो भेजिएगा जरूर। सही अटल जी जब कह रहे थे कि लोन भले न दे लेकिन अधिवक्ता के लोन वसूलने की जरूरत है उनके पास, तो हम निश्चित रूप से उसके लिए कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी निर्भीकता के साथ बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और हमको अपने कुछ कार्यकर्ता जो सबसे निचले स्तर का होता है बूथ का इतना अच्छा निर्णय लिया कि मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करने के लिए सबसे पहले आएगा तो हमारा बूथ का कार्यकर्ता आएगा। हम बूथ के कार्यकर्ता को भी सम्मान देने के लिए बढ़ रहे हैं। अधिवक्ताओं के लिए आप जिस उम्र की बात कर रहे हैं, एक न्याय मंत्री रहते हुए मैंने 60 से 65 करने का काम कैबिनेट डिसीजन करा कर लिया था, और मायावती भी आई, उन्होंने कैबिनेट डिसीजन करके पूरा उस पैसे को खत्म करके 60 वर्ष हम कर चुके थे, और आज पूरा जब ये प्रक्रिया चल रही है तो मुझे लगता है उससे भी अधिक की स्थिति आएगी। अरे भाई, अगर शिक्षक मांग रहा है कि 70 साल तक वो है और जल्द साहब और अधिक मांग रहे हैं, तो फिर हम अधिवक्ताओं को क्यों ना दें? ये सोच करके हमने 65 किया था, लेकिन अगर कम हुआ है तो निश्चित रूप से हम अपने मेरी प्रकोष्ठ के संयोजक से और अपने महामंत्री जी से इन दोनों लोगों से आग्रह करेंगे कि अधिवक्ताओं की उम्र को सरकारी अधिवक्ता के लिए और सब में भी बढ़ानी चाहिए। आप कह रहे थे कि सांसद और विधायकों के पास फंड होते हैं, विधायक होने के बाद सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो यहां पर अधिवक्ताओं के लिए उनके बैठने की व्यवस्था हमने विनोद पांडे जी ने उसको और अधिक आगे बढ़ाने का काम किया था। बीच में भी हमने ये कहा था कि उसमें बड़ा से बड़ा हाल बनवाएंगे, लेकिन अब शायद हम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक यहां से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक नहीं कर पा रहे हैं। आप परमिशन ले लीजिए, मैं कल से काम कराने को तैयार हूं। एक बात जरूर है, महिला अधिवक्ताओं के लिए कामन हूं प्रसाद जी, मेरा आग्रह है कि बार काउंसिल के द्वारा इसकी मांग करिए, और यह नहीं है 2 महीने के अंदर इसको वो करिए कि कम से कम कामन रूम की व्यवस्था प्रत्येक न्यायालय परीक्षा में हो। मैं 3 के 3 न्यायालयों में महिला अधिवक्ताओं के लिए कामन रूम बनवाने के लिए आवश्यकता महिलाओं के लिए अति आवश्यकता है, और इसको तो वरीयता के आधार पर आप सभी लोगों को इसे मांग करना चाहे चीफ जस्टिस आदि से हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो आगे बढ़कर के अधिवक्ताओं के लिए करना है। इस नाते मुझे लगता है कि इन विषयों पर मैं बोलता हूं इस नाते की कर्नाटक सभा में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और मैं यहां से अगर लखनऊ जाकर के कल फ्लाइट और सवेरे फ्लाइट पकड़ू तो भी जो सवेरे की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाऊंगा। इस नाते मुझे हर परिस्थिति में गोरखधाम पकड़ करके भागना है। हमसे चूंकि इन लोगों ने कहा था मैं स्थानीय हूं, मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं
या प्रसाद जी का निजवाली का स्वागत करूं, तो निश्चित रूप से एक अधिवक्ता के नाते कर स्थानीय कार्यकर्ता के नाते प्रदेश की महामंत्री का, वैसे तो मुझे ध्यान है कि जब मैं कानपुर में विद्यार्थी परिषद का काम करने के लिए गया था तो आज की हमारी प्रदेश की महामंत्री तक 5 वर्ष की बच्ची थी। इनके घर हम लोग भोजन करने जाते थे। इनकी माता जी वरिष्ठ नेता, हमारे साथ अनेक बार प्रदेश शासन में मंत्री रही, प्रेमलता कटियार जी। इनके घर ये समझिए कि ऐसा था कि हम लोग जब भी चले जाते थे, बहन जी भोजन कराइए तो तुरंत तैयार आते थे, चलो निकलो। तो मैं अपने उस प्यारी सी गुड़िया का भी स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों का सत्येंद्र जी सफल आयोजन के लिए भूल भूल प्रशंसा करता हूं। और जब भी कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी करिएगा और इसको गति दीजिएगा। यह नहीं कि अगर प्रदेश ने कह दिया तो नहीं हो दीजिए, गति दीजिएगा। और ये मत सोचिए कि कहीं खर्चा हो जाएगा। मन लगाइएगा तो सब व्यवस्था हो जाएगा। आखिरकार वीरेंद्र साहब क्यों बैठे? इस तरह आप सभी लोगों की प्रशंसा करते हुए और बिना किसी औपचारिकता के आगे अगर पढ़ाएंगे तो मुझे देर हो जाएगा, इस नाते में अनुमति लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने प्रकोष्ठों के माध्यम से जन जन तक, आम जन तक, जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने अनेकों जनहितकारी ऐसे निर्णय लिए हैं, योजनाएं लाई हैं और लोगों को लाभ पहुंचाया है। तो ऐसी जो लोकहितकारी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारा विधि प्रकोष्ठ है उसके हमारे जो अधिवक्ता बंधु और बहनें हैं उनके माध्यम से तहसील स्तर तक के सहयोजक ऐसे करके एक व्यवस्था बनी है। उन सबको आज ये क्षेत्रीय स्तर पर पूरे प्रदेश में एक प्रकोष्ठों के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, उसी क्रम में आज गोरखपुर का ये क्षेत्रीय सम्मेलन विधि प्रकोष्ठ का था, उसमें रहना हुआ था। 2019 को लेकर बीजेपी क्या तैयारी? भारतीय जनता पार्टी आम जन के साथ, उनके कष्ट के साथ, उनके सुख के साथ समर्पित भाव से खड़ी है और अनवरत खड़ी रही है। चुनाव दर चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी काम करती है ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन हर पल हर चुनाव के लिए तैयार रहती है।